जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी में दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह एंड लेट स्टार्ट टूडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज पेपर के एनालिसिस की जल्दी से थम्स अप कर दो जल्दी से मुझे बता दो कि मेरी कोई आ, कोई टेक्निकल इशू नहीं है मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर कट पहुंच रही है एंड देन वी कैन स्टार्ट आर सेशन तो आई थिंक द एवरी थिंग इज फाइन देर इज नो इशू देर इज नो ग्लिच आप सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है एंड कोई दिक्कत दिख नहीं रही है ठीक है चलिए तो इसी के साथ फिर शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन एक बार मैं देख लेता हूं ठीक है चलिए ठीक है तो जस्ट यस वी आर लाइव एंड इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की हमारे आज के मोटिवेशन थॉट से फेलर डज नॉट मीन द गेम इज ओवर इट मीन्स ट्राई अगेन विथ एक्सपीरियंस लाइफ में देखो एक चीज़ जो है वो आप सभी को ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि देखो हमें असफलताएं मिलती हैं और आगे भी मिलेंगी आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान आगे नहीं जाने वाला है अपनी जर्नी में यूपीएससी की जर्नी में स्पेशली या वैसे लाइफ में आप कुछ भी करो कि आपको असफलताएं ना मिलें असफलता भैया मिलती है लेकिन उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी सीखो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई आप में ये कमी थी इसी वजह से आप में ये चीज़ हुई है और उन कमियों को अपने अंदर से दूर करो अगर आप उन कमियों को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे तो जिंदगी भर के लिए वो कमियां आपके अंदर घुस के रह जाएंगी फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया अपनी कमियों से सीखना है अपनी कमियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है और ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है जो आपने करी है चाहे फिर वो आपकी प्रिपरेशन की बात हो चाहे वो आपके लाइफ में किसी भी पार्ट की बात हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी जो है वो डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जाके भैया डाउनलोड करिए और यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं आपको पता ही है आप अन एकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइज़ आप अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक भैया बहुत छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस क्या है तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो तो मैं आंसर राइटिंग चेक करानी है क्या करोगे किसी से कराओगे इधर उधर से तो भैया आपको वो जो एक एक्सपर्ट फीडबैक होता है वो नहीं मिल पाएगा तो वो सब कैसे पॉसिबल है वो सब आपका पर्सनल मेंटरशिप से पॉसिबल है जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आता है आप इसमें अपने आप को इनरोल करा सकते हैं ठीक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट देखिए आपके सामने लिखी हुई है बट ये कॉस्ट सिर्फ इतनी नहीं है आप यहाँ पे अगर एक कोड है जो कोड है मेरा एम पी एस आप जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे आपको यहाँ पे टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए ये कोड आपको जो यूज़ करना है दैट इज एम पी एस आप जी प्लस ऑप्शन का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है एंड ये सारी चीज़ें वैसे आपको ऑलरेडी पता है मेन चीज़ ये है कि देखो पैसा जो एजुकेशन में इन्वेस्ट होता है वो कभी बेकार नहीं जाता है मनी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन कहीं वेस्ट नहीं होनी है नॉलेज हमेशा काम आनी है एग्ज़ाम में अच्छा करोगे बहुत अच्छी बातें नहीं भी करोगे तो इस नॉलेज से ज़िंदगी भर आगे बढ़ोगे ठीक है तो एजुकेशन में कोताही मत करो एजुकेशन में अगर पैसा नहीं लगाओगे तो भगवान आपको रिटर्न नहीं देने वाला है ठीक है तो वो चीज़ ध्यान रखिए और जहाँ तक बात रही है अन अकेडमी की तो इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं मूणाल पटेल जिनकी किताब पूरी दुनिया पढ़ती है ही इज हियर रोमन सैनी हिमसेल्फ सारे एग्जाम जिन्होंने निकाल रखे हैं वो यहाँ पे पढ़ाते हैं मेरे जैसे लोग भी यहाँ पे पढ़ा देते हैं है ना बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आप सबसे पढ़ सकते हो लेकिन उसके लिए आपको अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा एंड सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे डोंट फॉरगेट टू यूज ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं दिस इज माई प्रोफाइल ऑन एन अकेडमी प्रताप सिंह और आप लोगों के लिए बहुत uh, अच्छी अपडेट है अगर आप लोग सुनना अगर आपको अच्छी लगे तो बुरी भी लग सकती है है ना थर्सडे थर्सडे से यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस की जीरो से लेके एंड तक की सारी क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और वो ऐसी क्लासेस रहेंगी कि आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई बुक्स भी उठाने की जरूरत नहीं है आफ्टर दोज क्लासेस पर वो आपको Uh, मतलब अच्छे से उसको फॉलो करना होगा है ना एंड आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ के फॉलो कर सकते हैं यहाँ से आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो समय समय पे अवेलेबल हो जाएगी साथ ही साथ मेरे और सेशन की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो बुरी लग रही हो डिसलाइक कर दो कुछ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दोगे तो और लोग भी जुड़ जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा लग जाएगा है ना और नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं एक बच्चा भी देखेगा तो भी हम तो पढ़ाएंगे पढ़ाना अपना काम है है ना चलो देखो पहला आर्टिकल जो आज आया है बड़ा अच्छा आर्टिकल है मजेदार आर्टिकल आया द वाइटल बट डेलिकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ईरान डील जिन बच्चों को जिन बच्चों मतलब जो मेरे से छोटे हैं भाई और जिन दोस्तों को ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में नहीं पता है ये आर्टिकल आप ही लोगों के लिए ठीक है मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं लेकिन आप लोग इस आर्टिकल को खुद से भी रीड करिएगा पूरी ईरान न्यूक्लियर डील की कहानी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की सब इस आर्टिकल में लिखी हुई है आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी चलिए लेट स्टार्टो मैं, इन सब पे मैं बेसिक से आपको पहले क्या है देखो ईरान न्यूक्लियर डील जो है इसको कुछ नामों से जाना जाता है जैसे कि एक हो गया ईरान न्यूक्लियर डील है ना एक नाम हो गया जेसीपीओ वे सीपीओ ए ज्वाइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन काफी ज्यादा मात्रा में तो ईरान एक समय तक काफी ज्यादा यूरेनियम को इनरिच करता था पूरे विश्व के लीडर्स को डर लगा की यार ये इतना ज्यादा यूरेनियम इनरिच क्यों कर रहा है कल को ये भैया न्यूक्लियर बम बम बना के कुछ विस्फोट विस्फोट कर देगा और भैया पता पड़े किसी की हालत ख़राब हो जाए कोई देश परेशान हो जाए किसी देश को उसका इम्पैक्ट सहना पड़ जाए हुआ क्या हुआ ये कि भैया चीज़ें चलती नहीं ईरान को दबाने की कोशिश करी लेकिन ईरान मान नहीं रहा था तो पूरे वर्ल्ड ने ईरान के ऊपर ये यूनाइटेड नेशन के जो ये कुछ पार्ट्स हैं मेन कंट्रीज जो हैं इन्होंने 2015 से पहले ईरान के ऊपर सेंक्शन्स लगा दिए सेंक्शन ऐसे लगाए कि भैया अब ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा किसी भी कंट्री को अगर आपको दबाना है तो उसको इकोनॉमिकली वार करो बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान देख रहे हो ना किस तरीके से ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट के चक्कर में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है अब थोड़ा सा लाइन पे आया हुआ है अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो कहने का मतलब ये है अब हुआ क्या है यहाँ पे हुआ ये कि भैया ईरान ने जो है ईरान ने ये जब इसको सेंक्शन लगाया गया 2015 से पहले तो ईरान को भी भाई आइसोलेशन फील हुआ उसकी भी इकोनॉमी जो है काफी खराब होने लगी तो ईरान ने पूरे विश्व के लीडर्स के सामने भैया थोड़ा सा दबने की कोशिश करी और पूरे विश्व के लीडर्स ने एक डील उसके सामने रखी जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील या जेसीपी की ये डील है बराक ओबामा उस समय टेन्योर में थे यूएस के प्रेसिडेंट की तरह इसीलिए यहाँ पे बराक ओबामा जी की फोटो है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील को अगर एक शक्ल दी गई है तो वो इनके द्वारा ही दी गई है जब ये यूएस में प्रेसिडेंट थे फिर क्या हुआ देखो सब कुछ ठीक चल रहा था ईरान जो है ट्रैक पे आया उसने यूरेनियम को एनरिच करना कम कर दिया ईरान की इकोनॉमी भी अच्छी हो गई फिर हुआ ये कि विश्व में भी एक चमत्कार हुआ चमत्कार ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी पर वो इलेक्शन जीत गए इलेक्शन जीते उनको ईरान वैसे ही पसंद नहीं था वो इसराइल एंड सऊदी अरेबिया के क्लोज थे इसराइल एंड सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान को पसंद नहीं करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में ही कह दिया था कि ये ईरान न्यूक्लियर डील फर्जी है बेकार है तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पहले तो इसको क्रिटिसाइज किया और फिर कुछ समय बाद इसमें से अपने देश को खींच लिया उन्होंने खुद तो खींचा ही खींचा साथ में भैया अपने एलाइज से भी कहा कि तुम तो ईरान के साथ ट्रेड नहीं करोगे अपना इंडिया भी फंसा था आपको पता होगा हम सेकंड नंबर पे ऑयल इंपोर्ट करते थे ईरान से फिर हम नहीं कर पा रहे थे फंस गए थे अपना छाबा पोर्ट वाला मामला ही फंसा हुआ था ठीक है फिर क्या हुआ कि भैया जब यूएस ने इस अपने आपको बाहर निकाला अंडर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर तो जो बचे हुए कंट्रीज थे पी के अंदर और यूरोपियन यूनियन जो था इन्होंने कहा कि हम जो है ईरान के साथ डील करेंगे क्योंकि यूएस गलत करके बाहर निकला है गलत चार्जेस लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जी गलत बोल रहे हैं कि ईरान जो है वो जेसीपीओए जो एग्रीमेंट है इसका वॉयलेशन कर रहा है तो ये जब बातें सामने आई ये चीजें हुई तो इन्होंने क्या निकाला जो पी फाइव में से जो बचे हुए कंट्रीज थे ईयू जो था इन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसका नाम था इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म देखो क्या हुआ था कि यूएस ने ये कहा था कि भैया आप ट्रेड नहीं कर सकते हो डॉलर के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में चलता है आपको पता होगा तो यूएस ने जब यह कहा तो इन्होंने क्या निकाला कि सिस्टम के थ्रू ईरान के साथ हम लोग ट्रेड रेट करते हैं सिस्टम समझते हो ना तो मुझे चावल दो मैं तुम्हें तो चीनी दूंगा पर ऐसा भी संभव नहीं हो पाया अभी हम पढ़ेंगे सब आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ईरान जब है भैया उसको ये चीज इसका लाभ नहीं मिल पाया था फिर उसके बाद आपको कासिम सोलेमानी और वो सब इंसिडेंट याद ही होगा अब भैया सत्ता में आए हैं बाइडन साहब तो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये डील जो है वापस आ सकती है बाइडन साहब ने इसके लिए कदम भी बढ़ा दिए हैं क्यों बढ़ाए कैसे बढ़ाएं अब अपन देखते हैं ठीक है तो ये आर्टिकल का मैंने आपको पूरा बेसिक दे दिया कि ये आर्टिकल जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा था ठीक है अब अपन इसको समझते हैं कि भैया राइटर ने क्या लिखा है तो देखो राइटर यहाँ पे लिख रहे हैं कि भैया जॉय बिडन साहब जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से काफी उम्मीद है कि वो जेसीपीओ एग्रीमेंट को वापस लेके आएंगे है ना जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने खत्म कर दी थी और यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि काफी उम्मीद लगाई जा रही है बट देन ये भी है कि भैया कौन सा कॉम्प्लीकेटेड होता जा रहा है समय भी बीत रहा है बाइडेन साहब को आए काफी समय हो गया लेकिन इस ईरान मुद्दे के ऊपर उन्होंने खुल के अभी तक अपनी बातें नहीं रखी हैं है ना फिर देखो यहाँ पे जे की हिस्ट्री आ रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि चाइना फ्रांस जर्मनी रशिया यूके जो फाइव परमानेंट मेंबर्स थे यूएस इन्होंने मिलके जर्मनी के साथ मिलके इस एग्रीमेंट को किया वन कौन था जर्मनी बचे हुए पी फाइव थे आपके है ना

लेकिन इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म भी काम नहीं किया जो कि ढंग से इन्होंने उसको रेगुलेट नहीं किया ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया और ईरान जो है वो अभी भी परेशान का परेशान था फिर ईरान ने क्या किया ईरान के पास जो पावर थी यूरेनियम इनरिच करने की उसने वो बढ़ाया उसने धमकाने की कोशिश करी क्यों ईरान यूरेनियम इनरिच की धमकी देता है क्यों बढ़ाने लग गया कि वर्ल्ड पे प्रेशर बने बनेगी भैया उसके ऊपर से सैक्शन हटे कोई भी कंट्री न्यूक्लियर बम बनाने से ज्यादा अपने देश का खालन मतलब खाना पीना इकोनॉमी पे फोकस करती है तो भैया वो भी करते लेकिन अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था तो ये देखो इंस्टेक्स बाटर मैकेनिज्म की बात यहाँ पे करी गई जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एक चीज और आपको समझनी होगी कि इसराइल जो है वो ईरान को पसंद नहीं करता है सऊदी अरेबिया कंट्रीज भी ईरान को पसंद नहीं करती है ऑल अभी तो थोड़ा बहुत एक इंटरलिंकिंग बन रहा है इन लोगों के बीच में तो यूएस जो है वो एक क्लोज एलई है हमेशा से इसराइल एंड सऊदी अरेबिया का तो एक ये भी कहीं ना कहीं पैमाना जो है सामने रहता है एक दिन हमने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था कि इसराइल जो है वो अभी भी नहीं चाहेगा सऊदी अरेबिया चाहता है कि उनको भी इस डायलॉग में इंक्लूड किया जाए तो यूएस के पास भी एक डिप्लोमेसिक तो है इस मामले को ले के किस तरीके से आगे बढ़ा जाए ठीक है इसके बाद क्या है फिर तो यहाँ पे देखो ईरान की बात लिखी हुई है थोड़ी सी कि ईरान जो है अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहा है कोविड नाइनटीन के काफी सारे केसेस वहां पे बढ़ चुके हैं काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पैसे की भी कमी है तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं इसके बाद देखो जो राइटर ने लिखा है कि अब जो है ईरान और यूएस दोनों को इनिशिएट करना होगा चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और उसको कैसे कर सकते हैं सबसे पहले ईरान ने जो यूरोपियन एंड अमेरिकन सोल्जर्स को अपने पास कैद करके रख रखा है उनको वो बरी करे ठीक है उनको वो छोड़े तो ये ईरान की तरफ से एक अच्छा जेस्चर जाएगा और यूएस क्या कर सकता है कि देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ यहां पे अप्लाई किया हुआ है ईरान ने कोविड नाइनटीन की वैक्सीन के लिए पैसा उधार तो ये अप्रूव करा दिया जाए इन तक पहुंच जाए जिससे कि इनके यहाँ भी कुछ अच्छी चीजें हो जाएं तो ये दोनों की तरफ से एक अच्छा जेस्टर जब जाएगा तब तो चीजें और बेटर हो सकती हैं सर राइटर जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं इसके बाद राइटर एक बात और बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है प्लस जो पीथ्री कंट्रीज है जिसके बारे में हमने पीछे देखा था यूके एंड एक्सेट्रा आप उनको बता दो भाई कि हम जो है पैंतालीस दिन साठ दिन का ये प्लान बना रहे हैं ये यूएस से डिमांड रखी जा रही है राइटर के द्वारा सजेस्ट दिया जा रहा है अगर ईरान न्यूक्लियर डील आगे जानी होगी तो जाएगी बाइडन साहब के लिए ये एक सजेशन है राइटर का ठीक है तो दिस इज दिस इज दिस आर्टिकल आई होप आपको आर्टिकल जो है समझ में आया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़े अगला आर्टिकल जो है गाइज वो है कोल्ड कंफर्ट क्या है कोल्ड कंफर्ट अब ये आर्टिकल क्या कहता है इसको समझना होगा इसको देखना होगा कोल्ड कंफर्ट देखो जो आर्टिकल है वो बात करता है यहाँ रिसेंटली एक फैसले के बारे में एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये दो टाइप की लिस्ट बनाती है ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट भी खतरनाक होती है ब्लैक लिस्ट उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया इस कंट्री को अगर आपने पैसा दिया देर आर पॉसिबिलिटीज की भैया ये जो पैसा है ब्लैक लिस्ट हो क्या होती है, में होता है कि भैया को पैसा दे दिया क्या हुआ पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया ठीक है एफएटीएफ के द्वारा लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से भी नहीं हटाया गया ऑल दो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दी है जून 2021 तक कि भैया जो 27 पॉइंटर्स हमने दिए तो उसमें से तीन चार पॉइंट्स अभी आपने करने बाकी रह गए हैं तो उसको भी कर दो हम आपको निकाल देंगे एफ ने एक बहुत अच्छा मतलब कदम उठाया है पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान जेनली जो कोशिश कर रहा है जैसे अभी आपने देखा था कि पाकिस्तान रिसेंटली अपने टेररिस्ट को जेल में डाल रहा है और उनके ऊपर एक्शन ले रहा है अगर ये जेन्युन है अगर ये अंदर से है मतलब इसमें कोई मक्कारी नहीं है कि भैया जैसे लिस्ट से हटेंगे हम सबको बरी कर देंगे तो पाकिस्तान के लिए ये जो चार पांच पॉइंटर्स हैं अगर उनके लिए एक ऑप्शन ठीक ठाक छोड़ा गया है कि भैया आप जैसे चार पाँच पॉइंटर्स खत्म कर लोगे हम आपको ग्रे लिस्ट से भी निकाल देंगे और हम आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रहे क्योंकि आपने एक अच्छा प्रयास किया है तो यहीं के उसी के बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है उसी को इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है और पाकिस्तान में वैसे तो जो वहाँ के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया एफ ए के इस मूव को उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत करा जा रहा है एफ के द्वारा और पाकिस्तान जो है पिछले कुछ सालों में ग्रे लिस्ट में होने के वजह से करीबन 38 बिलियन डॉलर का नुकसान सह चुका है ऑलरेडी देखो एफ की लिस्ट में अगर को, कोई कंट्री आ जाती है चाहे वो ग्रे लिस्ट हो चाहे ब्लैक लिस्ट हो तो उसको लोन मिलना जल्दी आसान नहीं होता है जैसे कि आप ऐसा एग्जाम्पल ले लो बैंक में अगर आप डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाओ तो आपको किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा जल्दी समझ रहे हो तो वही चीज यहाँ पे भी है FATF में मतलब अगर भैया कोई कंट्री को आप पैसा दे रहे हो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है तो क्यों कोई भाई सिंपल आदमी उसको पैसा देगा कोई वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसा देगी तो वही वाली मसला यहाँ पे फंस जाता है ठीक है इसके अलावा ब्लैक लिस्ट में से हटाने की बात करी गई है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है मतलब सॉरी ग्रे लिस्ट में से निकालने की बात करी गई है वैसे अभी ब्लैक लिस्ट में वर्ल्ड की दो कंट्रीज हैं एक है ईरान एंड अनदर इज नॉर्थ कोरिया ठीक है दोनों है इसके अलावा और जो लिखा हुआ है इसमें काम का हमारे नहीं ठीक है इसके बाद देखो पाकिस्तान की तरफ से एक चीज और ठीक हुई है अब ये एक्टिंग है कि क्या है पता नहीं उन्होंने भारत के साथ एक कम्युनिकेशन पैनल कम्युनिकेशन चैनल अभी स्टार्ट किया है जिसमें दोनों ही कंट्रीज ने कहा है कि हम सीज फायर ऑलेशन नहीं करेंगे ऑल होता पाकिस्तान के साइड से ही जाता है पाकिस्तान ने यहाँ पे ये चीज अगर अच्छा मतलब मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि ये सिर्फ दिखाने वाली हा, दाँते हाथी के तब तो भैया कोई मतलब नहीं है अगर ये इंटरनली अंदर से उनके अंदर से आ रहा है हो भाई ये सही जेनुअन प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो यही सब बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है आई होप आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आया हो अगला आर्टिकल जो है वो मतलब एडिटोरियल्स ही चल रहे हैं तीन एडिटोरियल्स आज हमने देखे हैं पहला दूसरा और तीसरा ये है ठीक है मास्टर एंड द रोस्टर देखो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही सेट करते हैं कि कौन सा केस किसके पास जाएगा ठीक है मास्टर ऑफ द रोस्टर जो बोलते हैं ये टर्म पहली बार हमने सुनी थी गगोई साहब जी ने जब गगोई साहब और दो तीन जजेस और थे जल्दी से याद करो जिन्होंने उस समय जो दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे उनके अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मनमानी हो रही है आपको याद होगा राइटर यहाँ पे देखो क्या क्रिटिसाइज करते हैं राइटर ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो चीज गगोई साहब ने दीपक सर के लिए कही थी जो दीपक जस्टिस दीपक के लिए कही थी जो सीजीआई हुआ करते थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही चीज तो गगोई साहब के टेन्योर में भी हुई गगोई साहब ने अपने आप को अपने ही एक केस के अंदर जिसमें उनके ऊपर सेक्सुअल हसबेंड की कुछ जांच हो रही थी उसको उन्होंने प्रिसाइड किया था बाबरी मस्जिद वाले में वो थे ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस के अंदर उन्होंने अपने आप को पाया था राइटर यहाँ पे देखो दिज आर नॉट माई विचार दिज आर द राइटर्स विचार राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि देखो आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोलेजियम सिस्टम में लाया गया था कोलेजियम सिस्टम क्या होता है इंदिरा गांधी जी के दौरान जब टेन्योर था इंदिरा गांधी जी का तब होता क्या था इंदिरा गांधी जी ने कोशिश ये करी थी कुछ जजेस को ट्रांसफर करने की अपने मनपसंदीदा जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस आइडिया के साथ आई थी कॉलेजियम सिस्टम के कि भैया हम ही लोग इलेवेट करेंगे कि हम ही लोग पहले कुछ नाम कॉइन करेंगे हम ही लोग इलेवेट करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है कॉलेजियम सिस्टम ऐसे डिटेल में कभी बाद में पढ़ा जाएगा एक छोटा सा मैं आपको वो दे देता हूँ कॉलेजियम सिस्टम का बेसिकली मतलब ये कि सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का एक ग्रुप बनता है ये कुछ नाम कॉइन करते हैं कि भैया हाँ हाँ ये ये बंदे जो हैं ये हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एंड गए हैं अब अगर को ये नाम पसंद नहीं आता है, तो है? है गवर्नमेंट है? तो नाम रोक नहीं सकती गवर्नमेंट इनसे कह सकती है कि भैया एक बार पुनः विचार करो अगर पुनः विचार के बाद भी वही नाम सामने आ जाता है तब गवर्नमेंट मजबूर है उन्हें उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा तो कॉलेज सिस्टम हैज गुड पावर टू अपॉइंट जजेस और उनकी सोल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चलती है इन दी एंड देखा जाए तो यहाँ पे राइटर जो हैं वो कोलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज किस इस तरीके से करते हैं हैं वो ये बोलते कि कोलेजियम सिस्टम आया था जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए लेकिन क्या जुडिशरी आज की डेट में इंडिपेंडेंट है राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जुडिशरी के अंदर भी इन्फ्लुएंस दिख रहा है रूलिंग गवर्नमेंट का चाहे फिर वो कोई सी भी फ्यूचर में हो चाहे अभी कोई सी भी हो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि आ, क्यों ऐसा देखने को मिलता है तो इन्होंने दो बात रखी है पहला कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स कि लोगों को टेंशन होती है कि रिटायरमेंट के बाद जॉब क्या करेंगे है ना तो अभी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों राइटर ऐसा बोल रहे हैं और दूसरा इन्होंने यहाँ पे पॉइंट जो रखा है वो इन्होंने आ, क्या रखा था मी सी ठीक है ठीक है ठीक है और दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बताया दो बताई जुडिशरी के साथ है, उसको जो of of जो बना दिया गया है वो भी नहीं करना चाहिए कुछ तीन चार जजेस को मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि भैया कौन सा केस किस पे जाएगा एक बंदे के ऊपर पावर नहीं दे देनी चाहिए कि वो डिसाइड करे कि भैया कौन सा केस कौन सुनने वाला है तो ये दो बातें यहाँ पे करी गई हैं जो एक बड़े कारण बताए जा रहे हैं राइटर के द्वारा जिसके वजह से अभी हमारे जुडिशियल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स राइटर को लग रही है और ही वांट्स कि ये वॉन्ट्स की जो की कोलेजियम सिस्टम आया था जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए बट राइटर के अकॉर्डिंग अब जुडिशरी उनको इंडिपेंडेंट नहीं लग रही है और दो कारण जो राइटर को लगे हैं पहला ये लगा है कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स वाला जो सीन है और दूसरा जो राइटर को लगा है कि भैया आप जो है ये जो मास्टर बना देते हैं रोस्टर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इकलौते को अकेले को तो उससे क्या होता है कि फिर वो सोल पावर ऑफ वन पर्सन की डिस्कशन पे चलती है अब यहाँ पे राइटर दो सजेशंस भी देते हैं पहला ये देते हैं कि भैया कुछ कैप कर दिया जाए कैप मतलब कि रिटायरमेंट के कम से कम पांच साल बाद कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया जाए कि रिटायरमेंट के अगले पांच साल तक जो बंदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर हो रहा है वो कोई और जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो कोई और काम नहीं कर सकता अगर इस तरीके का कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया जाए तो देखने में यह आएगा कि वो समय पुराना हो जाएगा कुछ समय बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी रहे होंगे तो उनकी जो वो आ, मतलब कह सकते हो आप पहुँच थी जो धाकड़पन था वो ख़त्म हो जाएगा उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर नॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं मतलब ऐसा राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया जाए काफी कुछ समय बाद तक ही कोई जॉब में आ सके जैसे पाँच साल दे दिया जाए छः साल दे दिया जाए कि भैया इतने साल के अंदर रिटायरमेंट के बाद आपको जॉब नहीं मिल सकती कहीं भी आप कुछ और काम नहीं कर सकते हैं दूसरा राइटर ने सजेशन ये दिया है कि भैया ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर वाला चीज़ है इसको हटा दो ठीक है तो दिस इज वॉट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट क्लियर है समझ में आया बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए बढ़े आगे बढ़े चलिए ठीक है बढ़ते हैं इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है कोविड जैब ऑन डे फर्स्ट ऑफ एक्सपेंडेड रोल आउट आपको पता है कि कोविड 19 की वैक्सीनेशन के लिए अभी ओपन कर दिया गया है नॉर्मल लोगों के लिए भी नॉर्मल जनता के लिए भी एक एज क्राइटेरिया के अंदर जिसमें एग्जाम्पल बने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने पहला इसका टीका लगवाया है और लोगों से अपील भी करी है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए और अपने आप को टीकाकरण कराइए इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो पहली पेज पे आया है द हिंदू के सुप्रीम कोर्ट आस्क मैन अक्यूज ऑफ रेप इफ द इफ ही कैन मैरी गर्ल देखो एक मसला है इस मसले में एक आदमी ने माइनर गर्ल का काफी सम, काफी समय तक रेप किया और कुछ इसमें ऐसा था कि उनकी मदर ने कहा था कि तुम्हारी इससे शादी होनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाद में ये आदमी जो है मुकर गया शादी करने के लिए चाहे कुछ भी था रेप इज नॉट जस्टिफाइड एनी हाउ यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि क्या तुम इनसे शादी कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो उसी का एक मुद्दा बना है काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस स्टेटमेंट का तो यही चीज है इसके बाद आगे बढ़ते हैं आईआईटी दिल्ली रिसर्च डेवलप्स टेक्नोलॉजी टू रिसाइकल वेस्ट तो थ्री आर तो आपको पता ही होगा रियूज रिसाइकल वाला है ना तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे एक प्लान बनाया गया है बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे खोजी गई है आई आई टी दिल्ली के बाद आई आई टी दिल्ली के द्वारा जिसके अंदर इन्होंने डेवलप किया है जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी जिससे कि रिसाइकल किया जाए ई वेस्ट का वेल्थ के अंदर ठीक है और इसमें देखो इन्होंने क्या किया है इन्होंने एक कैटेलिट रिएक्शन इंजीनियरिंग लेबोरेटरी बनाई है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें इन्होंने किस तरीके की मेथोलॉजी को अडॉप्ट किया है जो अर्बन माइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके मेटल रिकवरी एंड एन एन एनर्जी प्रोडक्शन करेगी ठीक है रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि ये जो ई वेस्ट होगा ये श्रेडेड हो जाएगा पायलोजाइट के अंदर पायलोजाइट के बारे में आपने साइंस एंड एंड टेक में पढ़ा होगा टू यील्ड लिक्विड फ्यूल्स जिससे कि जो मेटल एंड सॉलिड फ्रैक्शन रह जाएगा वो अलग हो जाएगा और ये वाले पदार्थ अलग हो जाएंगे जिसके बाद इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है तो ये पूरी टेक्नोलॉजी है ये किस किस चीज को बढ़ाएगी तो देखो ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाएगी हमारी सेल्फ मेड टेक्नोलॉजी है है ना स्वच्छ भारत अभियान का हेल्प करने वाली है तो आप इनसे वो कनेक्शन करना सीखो जब कभी इस तरीके के आंसर लिखो आप इन चीजों को डाल सकते हो है ना तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बाद क्या है चर्च चर्च सेट टू बी गेट्स न्यू लाइफ देखो ये एक ancient church है और अभी इस पर हो गई थी कि इसको हटाया जाने वाला था इसको डिमोलिश किया जाने वाला था ये है जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि कहा पे है केरला के अंदर नेशनल हाईवे 66 के कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको हटाने की बात चल रही थी बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कह दिया है कि दिस प्लेस इज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर स्टैंप लग चुका है और अब जो है ये यहां से हटेगा नहीं उल्टा इसको फिर से और अच्छे से रिनोवेट किया जाएगा इस चर्च की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो बोलते हैं लोग कि 950 फिफ्टी एडी में बनाए कुछ लोग बोलते हैं 1050 फिफ्टी में बनाए ऑल दो नाइनटीन में इसको रिबिल्ड भी किया गया था ठीक है तो यही है इस चर्च के बारे में नाम ध्यान रखना कहाँ पे है क्यों है क्या मामला है इसके बाद व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी बिंग एग्जीम गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है देखो दिल्ली हाई कोर्ट में मसला था आपको हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी कि ये जो व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है ये राइट टू तो प्राइवेसी का वॉयलेसेशन है कि नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट से सरकार ने ये बोला है कि भैया हम व्हाट्सएप से इस बारे में डिटेल में जानकारी ले रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस प्राइवेसी पॉलिसी लॉ को भारत में आने नहीं देंगे सॉरी व्हाट्सएप uh, की इस प्राइवेसी अपडेट को हम भारत में आने नहीं देंगे हमने इस पे एक चीज और देखी थी कैसे यूरोपियन कंट्रीज में व्हाट्सएप और और अदर ऐप जो हैं वो इस तरीके की चीजों को ला नहीं पाते हैं पर भारत में ले आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सख्त प्राइवेसी लॉ नहीं है ठीक है इसके बाद है सु कई हिट टू न्यू क्रिमिनल चार्जेस तो ये सु कई कौन है आपको पता ही होगा पूरा मसला क्या चल रहा है मेम का ये भी पता ही होगा डेली न्यूज में आ रहा है तो इनके ऊपर अभी दो नए चार्ज लगा दिए हैं पहला तो ये लगाया गया है कि भैया ब्रीचिंग कम्युनिकेशन लॉज और दूसरा लगाया कि इन्होंने जो है पब्लिक अनरेस्ट को क्रिएट किया है मतलब जो ये प्रोटेस्ट हो रही है इसमें इनका रोल है सु कोई जो है इनको वैसे तो काफी दिन से नजर नहीं आ रही थी बट अभी कल ही कोर्ट की इनकी एक हियरिंग थी इसमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सामने थी और उनके ऊपर ये चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे लग गए इसके बाद फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट सार्कोजी इनको तीन साल की जेल हो जाती है फॉर करप्शन ठीक है निकोलस सार्कोजीन का नाम है ये पुराने फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और ये करप्शन के चार्जेस में भी गिल्टी पाए गए हैं तो आज के हमारे न्यूज़पेपर में गाई यही कुछ ठीक ठाक न्यूज थी जो हमें पढ़नी थी और कुछ अच्छे एडिटोरियल्स जो थे वो हमने देखे अब एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से कि आज हमने क्या क्या पढ़ा ठीक है पहला था जस्ट अ सेकेंड ठीक है पहला एडिटोरियल हमने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ा हमने पी फाइव प्लस वन नेशन जाना हमने जेसी के बारे में जाना हमने जाना किस तरीके से इनकी कहानी आगे बढ़ी हमने जाना कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को खत्म किया हमने ये भी जाना कि कैसे बाइडेन साहब अब कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की ठीक है इसके बाद आगे हम बढ़े अगले आर्टिकल के ऊपर जो कि था कोल्ड कम्फर्ट ये एफ के बारे में था ठीक है एफ ने पाकिस्तान के ऊपर जो अभी रिसेंट एक्शन लिए हैं और पाकिस्तान का जो प्रयास था उसको आगे रखते हुए इन्होंने इनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला उसके बारे में था फिर अगला आर्टिकल जो है हमने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको क्वेश्चन करा गया है राइटर के द्वारा राइटर ने यहाँ पे कहा है कि कोलिजम सिस्टम जो है जिसलिए बनाया गया था उसका रोल अभी पूरा नहीं हो पा रहा है और कुछ इन्होंने सजेशंस दिए जिससे जिससे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित किया जा सकता है फिर हमने देखा कि भैया ये कोविड नाइन्टीन के टीके लग रहे हैं फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा भी निगेटिव इम्पैक्ट में आ रहा है फिर हमने देखा आई दिल्ली के रिसर्चर्स ने भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है रिसाइकिल वेस्ट के लिए फिर हमने एक एंशियंट चर्च के बारे में देखा जिसको हटाया जाने वाला था बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से बच गया जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ठीक है देन हमने देखा व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्यों गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही है सुई कुई के ऊपर दो नए चार्जेस लगा दिए गए हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है सारकोजी साहब इनको तीन साल की जेल हो चुकी है ठीक है डे ड्रीम क्वेश्चन जो है अपन थर्सडे से देंगे दो एक दो दिन अभी और दोस्त लोग भी जुड़ जाए क्योंकि बीच में कुछ सेशन नहीं हो पाए थे तो अब वो चीज नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा भीड़ बनने दो फिर अपन डे ड्रीम एंड आंसर राइटिंग शुरू करेंगे और थर्सडे से ध्यान रखना मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस होंगी टाइमिंग जो है मैं आप लोगों को जल्द इस पे बताता हूँ ठीक है इसके अलावा कुछ है तो कुछ नहीं है अगर आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो वॉट यू हैव टू डू यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड एम पी एस एंड यू विल गेट टेन परसेंट का डिस्काउंट एंड अन एकेडमी कॉम्बेट की प्रतियोगिता हर अभी सात तारीख को फिर है तो जाइए अपने आपको रजिस्टर कराइए फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट जो आपको दस से ज्यादा मात्रा में जाके अपने आप को रजिस्टर करा के मिलेगा ठीक है अब कोई डाउट है कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं आई एम लिसनिंग बताओ बताओ क्या मसला है अनमोल भाई मेरे हाल ठीक है यार आप बताओ सिया यादव कह रहे हैं सुई कई कौन है ये तो वो बात हो गई रामायण खत्म हो गई और आपको पता नहीं कोई बात नहीं भाई पढ़ो थोड़ा सा बहुत बेसिक चीज है म्यांमार की कहानी है काफी दिन से न्यूज में चल रही है नहीं विशाल थर्सडे से लेंगे अपन क्लास और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं थर्सडे से गुड मॉर्निंग पद प्रदर्शन विद मोहित यार जल्दी भाई कोई डाउट और हो तो बताओ हेल्थ सेशन को एंड किया जाए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर uh, पढ़ने की हैबिट मत खोइए है न्यूज को डेली अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइए और डेली इसको सच्चे मन से मेहनत से पढ़ाई करिए समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में और ये रेगुलर पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा आफ्टर वॉचिंग सेशंस ठीक है सर चाइना ने इंडिया को घेर लिया है ऑन दैट इसी चैनल पर होगी नीलम मुन्ना कह रहे नोटिफिकेशन नहीं आता है मुन्ना आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अन अकेडमी मानवेंद्र जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इससे जुड़िए और फिर आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना होगा आप सीधे यहाँ से वीडियो के लिंक में डाल देता हूँ क्लास लेने से दो मिनट चार मिनट पाँच मिनट दस मिनट एक घंटा दो घंटा एक दिन पहले आप उस लिंक को सीधे ओपन करेंगे और आपका काम हो जाएगा ठीक है चलो गाइज देन टेक केयर सी यू टू वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जाना वीडियो बुरी लगे डिसलाइक करके जाना हंसते रहो मुस्कुराते रहो पढ़ाई करते रहो मिलते हैं आप लोगों से जल तब तक, तक अपना ध्यान रखो अपने परिवार का ध्यान रखो जय हिंद जय भारत